नमस्कार दोस्तों, ड्रीम स्टूडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न है अपने पास डिबिकिंग वाला कि देखिए आप ध्यान से देखना, डिबिकिंग किसको कहा जाता है। देखो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को डिबिकिंग कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे कटी हुई चोंच होती है। अगर चोंच काटते नहीं है तो ये मुर्गियां आपस में चोंच मारकर लड़ रही है। देखो दाना खा रही है उस समय चोंच मारकर लड़ती है, तो इस वाली कंडीशन को बोला जाता है कैनाबोलिज्म। लेकिन मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को बोला जाता है डिबिकिंग। अब अगर आपसे पूछे कि चोंच काटने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होगा, तो चोंच काटने का सबसे उपयुक्त समय होता है एक माह, यानी कि चोंच काटने का जो उपयुक्त समय होता है वो एक माह होता है। दूसरी बार आपसे पूछे कि ऊपरी चोंच कितनी काटी जाती है और निचली चोंच कितनी काटी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ऊपरी चोंच 1/4 बार काटी जाती है और निचली जो चोंच होती है वो 1/8 बार काटी जाती है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद होनी चाहिए कि ऊपरी चोंच कितनी काटी जाती है, निचली चोंच कितनी काटी जाती है, प्रथम बार चोंच कब काटी जाती है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है वो कि प्रथम बार चोंच कब काटी जाती है, तो प्रथम बार तो चोंच काटी जाती है 12 से 14 दिन पर, जबकि दूसरी बार जो चोंच काटी जाती है वो 14 से 16 सप्ताह पर काटी जाती है। जब ऐसा प्रश्न पूछे कि प्रथम बार चोंच कब काटी जाती है, तो 12 से 14 दिन पर, दूसरी बार चोंच कब काटी जाती है 14 से 16 सप्ताह पर, और अगर वो आपसे पूछे सामान्यतः चोंच कब काटी जाती है, तो एक माह पर। तो ये तीनों चीजें याद रखना, चोंच काटना क्या कहलाता है, डिबिकिंग कहलाता है, ऊपरी चोंच 1/4 भाग, निचली चोंच 1/8 भाग, प्रथम बार चोंच कब काटी जाती है 12 से 14 दिन, दूसरी बार 14 से 16 सप्ताह, और चोंच काटने का सबसे उपयुक्त समय कितना होना चाहिए, तो एक माह होगा। मैंने आपको बोला अगर चोंच नहीं काटी गई है तो मुर्गियां आपस में चोंच मारकर लड़ेगी, उस वाली क्रिया को कैनाबोलिज्म बोला जाता है, जो कि मुख्यतः एनएसीएल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देखो एक होता है डिबडिंग और एक होता है डिओर्निंग। डिबडिंग का मतलब होता है सींग की बड़ को दबाना। नवजात बछड़े में 7 से 15 दिन यानी 1 से 2 सप्ताह की उम्र पर सींग की बड़ को दबाना डिबडिंग कहलाता है, और डिओर्निंग होता है जानवरों में सींग काटने की क्रिया। देखो यहां पे देखना आप, मुर्रा में जलेबी आकार के सींग है, तो ये जलेबी देखो यहां से घूमकर यहां आ गई, तो ये सींग इस पे टच होने लग जाएगा, यानी कि इस पे घुसने लग जाएगा, तो इसलिए इसको यहां से काट देंगे। तो सींग को काटना तो कहलाता है डिहोल्डिंग, और सींग की बड़ को दबाना कहलाता है डिबडिंग। डिबडिंग की क्रिया 1 से 2 सप्ताह पर की जाती है, जबकि डिहोल्डिंग की जो क्रिया होती है वो आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको समस्या हो कर सकते हो। सींग काटने के लिए आप क्लच वायर का प्रयोग कर सकते हो, आरी का प्रयोग कर सकते हो, ग्लेंडर का प्रयोग कर सकते हो, रेती का प्रयोग कर सकते हो, इन सब चीजों का आप सींग काटने के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो याद रखना डिबडिंग क्या होता है, डिओर्निंग क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भैंस के संतुलित आहार में होता है 2/3 भाग रपेच, 1/3 भाग बाटा, 1/3 भाग रपेच, 2/3 भाग बाटा है, 1/2 भाग रपेच जो 1/2 भाग बाटा है, 1/4 भाग रपेच जो 3/4 भाग बाटा है। देखो इसको समझने से पहले एक चीज देखिए आप इधर, कि पशु को दो चीजें खिलाई जाती है, एक खिलाया जाता है दाना और एक खिलाया जाता है चारा। यहां देख लेना क्योंकि इसके आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, दाना खिलाते 1 भाग और चारा खिलाते 2 भाग, तो इसको आप 1/3 लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो 2/3। फिर आगे आ जाओ, चारा 2 प्रकार का होता है, एक चारा होता है हरा और एक होता है सूखा। यहां याद रखना दाना और चारा 2, दाना 1, चारा खिलाना है 2, तो इसको आपने 1/3 लिखा, इसको 2/3 लिखा। चारा 2 प्रकार का होता है, एक हरा होता है, एक सूखा होता है, तो हरा चारा कम खिलाते हैं, सूखा चारा ज्यादा खिलाते हैं, तो ये तो हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3 हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आती है बेटा, कि अगर हरा चारा आपके पास लेग्यूमिनेसी परिवार का हो, यानी कि अगर वो बरसीम और रिच का हुआ, तो उस वाली कंडीशन में आपका हरा चारा और सूखा चारा कितना होगा, तो उस वाली कंडीशन में हरा चारा हो जाएगा 1/4 और सूखा चारा हो जाएगा 3/4। तो ये चीज याद रखना, मैंने आपको जो भी बताया इसे देखना और इसको पढ़ने की कोशिश करना, अगर ये आपको याद है तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। ये पूछ रहा है बेस के संतुलित आहार में होता है, तो देखो 2/3 भाग रपेज और 1/3 भाग बाटा होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता ही है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बाटा आप ज्यादा दोगे नहीं,
दोनों बराबर दोगे नहीं। और ये वाला जो होगा ये नॉर्मली देखो ऐसी वाली कंडीशन में तो दाना हो सकता है कि अगर मान लो जैसे चारा हो सकता है यहाँ पे अगर सूखा चारा आ जाता और यहाँ पे हरा चारा जाता तो फिर राइट हो जाता, क्योंकि लेग्युमिनेसी परिवार में ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन नॉर्मली इसका प्रश्न का उत्तर ये वाला राइट होगा। अगला, दूध देने वाले पशुओं में किस खनिज लवण की अधिक आवश्यकता होती है? तो देखो दूध के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो दूध देने वाले पशु को सबसे ज्यादा आवश्यकता भी कैल्शियम फास्फोरस की होगी, तो इसके हिसाब से इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ है? तो याद रखना सबसे पहली बात CSWRI 1962 में इसकी स्थापना हुई, ये मालपुरा टोंक में स्थित है, अविका नगर मालपुरा टोंक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये भी याद रखना है यहां पे, यहां से दो नस्लें निकाली गई थी, एक तो निकाली गई थी अविवस्त्र और एक निकाली गई थी अविकालीन। अविवस्त्र में मेरिनो रेमुलेंट का नर मेंढा और प्लस चोकला का संकरण है, जबकि ये रेमुलेंट का नर मेंढा और मालपुरा का संकरण है। याद रखना मालपुरा भेड़ की नस्ल भी है जो कि मुख्यतया मालपुरा टोंक में पाई जाती है, और वो भेड़ की एकमात्र ऐसी नस्ल है जो मुख्यतया मांस के लिए पाली जाती है। मैं आपको बता दूं कि भेड़ों को दो कार्यों के लिए मुख्यतया पाला जाता है, तो एक ऊन के लिए और एक मांस के लिए, लेकिन राजस्थान में पाई जाने वाली सोनाड़ी भेड़ एकमात्र ऐसी नस्ल है भेड़ की जो तीन काम के लिए पाली जाती है, ऊन के लिए, दूध के लिए और मांस के लिए। तो तीनों चीजें याद रखना, और ये चीज भी आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो याद रखना दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं फलों में पाया जाने वाला शर्करा कौन सी होगी, तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे मीठी शर्करा कौन सी होगी, वो भी फ्रक्टोज हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी होगी, तो वो भी फ्रक्टोज हो जाएगी। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट से, ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट से तथा आलू का मीठापन का कारण भी ग्लूकोज है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा आलू वही है सोलेनेसी परिवार का, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि आलू के अंदर स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जिसे अपन नॉर्मली पादप स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, और जब इसका भंडारण किया जाता है तो वो स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है, और इसी के कारण आपने देखा होगा कि जो आलू पुराना होता है वो मीठा होने लग जाता है, तो उसका कारण भी यही है। अगला आ जाओ सुक्रोज, गन्ने में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सुक्रोज है, जो ये भी डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो अपन बात करें अगर दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, तो दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होगा लैक्टोज। सामान्य दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.5% होती है, जबकि गाय के दूध में 4.96% लैक्टोज होता है, भैंस के दूध की बात करें तो 5.48% होता है। लेकिन अगर ओवरऑल सभी पशुओं के दूध की या इंसानों के दूध की बात करते हैं, तो सबसे मीठा दूध मानव का होता है, जिसके अंदर लैक्टोज की मात्रा 6.90% होती है, यानी 6.90% होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार किस पशु की बीमारी है? तो लंगड़ा बुखार गोवंश की बीमारी है, ये रोग जीवाणु जनित होता है, इसे जहरवाद, चुरचुरिया के नाम से, ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक लेग, लंगड़िया आदि नामों से इसे जाना जाता है। क्लास्ट्रिडियम चोवियाई नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है। नॉर्मल अगर बात करते हैं तो इस रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है, पशु को तेज बुखार आता है, पुट्ठे पर सूजन आ जाती है, जब सूजन वाले भाग पर चीरा लगाया जाता है तो एक काले रंग का बदबूदार पदार्थ बाहर आता है, जैसा सड़ा हुआ मक्खन होता है वैसा बाहर आता है, तो मुख्यतया ये गोवंश में होता है। अगला देखिए आप,
अजमेर जिले में भैंस पालने की सिफारिश की गई है तो अजमेर जिले में सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई है, क्योंकि मुर्रा भैंस तो रामसर अजमेर में प्रजनन फार्म है, अगर सूरती भैंस भी अजमेर जिले में पाली जाएगी तो मेहसाना नस्ल पैदा हो सकती है, क्योंकि मुर्रा और सूरती के संकरण से जो नस्ल पैदा होती है वो मेहसाना कहलाती है। तो याद रखना अजमेर जिले में कौन सी भैंस पालने की सिफारिश की गई थी, तो सूरती की गई थी। अगला देखो, बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है, तो बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है 2 से 3 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष की आयु में बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है, तो याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे जर्सी गाय का पूछे तो वो तो 8 से 18 माह में ही यौनावस्था में आ जाती है। अगला, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी नहीं है, पूछ रहे हो आपसे नहीं है, आपको वो बताना है बेटा जो नहीं है, थारपारकर, मेवाती, हरियाणवी और रेड सिंधी। तो देखो थारपारकर है, मेवाती भी है, हरियाणवी भी है, रेड सिंधी नहीं है, क्योंकि गिर, रेड सिंधी और साहिवाल ये तीनों के तीनों एक दुधारू नस्लें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप आगे, एक अविकालीन होता है अविवस्त्र, मैंने आपको बताया CSWRI सेंट्रल सिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर मालपुरा टोक, वहां से 2 नस्लें निकाली गई थी अविवस्त्र अविकालीन। CSWRI की स्थापना 1962 के अंदर हुई थी, तो वहां से ये किसकी नस्लें हो जाएगी, बेड़ की नस्लें हो जाएगी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पश्चिमी राजस्थान थारपारकर गाय, पूर्वी राजस्थान मेवाती, दक्षिण राजस्थान गिर और उत्तर राजस्थान कांकरेज। तो इसके अंदर देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो थारपारकर गाय है वो तो बिल्कुल राइट है, पूर्वी राजस्थान मेवाती यानी अलवर भरतपुर कोसी मथुरा में मिलती है तो उसका सीमावर्ती क्षेत्र अलवर भरतपुर, तो ये भी राइट है। दक्षिण राजस्थान में गिर, क्योंकि अजमेर भीलवाड़ा राजस्थान में दक्षिण काठियावाड़ गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है, तो मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। अगर बात करते हैं कांकरेज नस्ल, तो कांकरेज नस्ल कच्छ का रण क्षेत्र में गुजरात में पाई जाती है, तो ये मिलती है दक्षिण पश्चिम में मिलती है, तो यानी कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में ये नस्ल मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उत्तर दे रहे गए, अगर यहाँ पे राठी गाय आती तो ये राइट हो जाता, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर तो राइट कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला, ब्यूटायरोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके निर्धारण में किया जाता है, तो देखो वसा के निर्धारण में ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटायरोमीटर जो नमक यंत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रोटीन का निर्धारण करोगे तो आप जेलडोल और पाइनेस विधि से करोगे, अगर अपेक्षित घनत्व का पता करोगे या दूध में पानी की मिलावट का पता करोगे तो आप लैक्टोमीटर के द्वारा करोगे, और खनिज लवण और विटामिन की गणना इन यंत्रों के द्वारा नहीं की जाती है। पशु में होने वाली किस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो पशु का पोस्टमार्टम एंथ्रेक्स रोग में नहीं किया जाता है, ये रोग मुख्यतः भेड़ों में होता है, रोग कारक बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, इसे गिल्टी रोग, जहरी बुखार, स्प्लीनिक फीवर, तिल्ली बुखार, उल्शोटर डिजीज आदि नामों से जाना जाता है। ये रोग जीवाणु जनित है, बेसिलस एंथ्रेसिस का रोग कारक बता दिया मैंने आपको, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है इसमें। ये रोग जूनोटिक है, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी भी यही है। इस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आने लग जाता है, जैसे नाक है, कान है, मुंह है, गुदा, योनि आदि भागों से रक्त आने लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण इसका यह है कि एंथ्रेक्स बीमारी में राइगर मोर्टिस नहीं होता, यानी कि मरे हुए शरीर का अकड़ना, तो इसके अंदर राइगर मोर्टिस नहीं होता है क्योंकि इसमें मरा हुआ शरीर अकड़ता नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से किस रोग में पशु अपनी गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठ जाता है, तो मिल्क फीवर बीमारी में पशु ऐसा करता है। मिल्क फीवर बीमारी में देखो, दुनिया में जितनी भी लगभग कॉमन बीमारियों की अगर अपन बात करते हैं तो सब में पशु शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन मिल्क फीवर नामक एकमात्र ऐसी बीमारियों में से आती है जिसका जिसमें पशु शरीर का तापमान कम होता है, यानी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। शरीर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, पशु गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठ जाता है। ये रोग मुख्यतः विदेशी गायों में या अधिक दूध देने वाली गायों में सर्वाधिक देखा गया है। और ये रोग, ये भी याद रख लें बेटा, ये रोग मुख्यतः प्रसव के 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ही होता है, प्रसव के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर होता है। अगला आया, घुंघरू का संबंध किससे, तो घुंघरू का संबंध मुर्गियों से, एक मुर्गियों का रोग है घुंघरू। अगला देखो, अजमेर भीलवाड़ा में गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतया पाई जाती है, तो अजमेर भीलवाड़ा में मुख्यतया गाय की गिर नस्ल पाई जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
निम्न में से किस बीमारी में ट्रोकार किनुला नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आफरा एक आहार जनित बीमारी है, आफरा, इसके अंदर ट्रोकार किनुला नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ट्रोकार किनुला नामक जो उपकरण होता है वो आमाशय से गैस को बाहर निकालने का काम करता है। ये पशु के बाएं लंबार कोशा में लगाया जाता है, यानी कि पशु की बाएं ओर लगाया जाता है। नॉर्मल अगर अपन बात करते बेटा ट्रोकार केनुला की बात कर रहे थे अपन, तो ट्रोकार केनुला जो होता है एक लोहे का ही मान के चलो खीला होता है वैसे होता है और रुमन में डायरेक्ट लगा दिया जाता है। पर आपको ये याद होना चाहिए कि आमाशय किस ओर होता है, गर्भाशय किस ओर होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी परेशानी हो सकती है अगर ये गर्भाशय में आपने लगा दिया तो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि आफरा को टिम्पेनिया टिम्पोनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आहार जनित बीमारी है। इस रोग के अंदर पशु में देखो गैस बनती है, गैस बाहर नहीं आ रही हो तो पशु मर भी सकता है, ठीक है ना। तो कई बार एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि आफरा में पशु के मरने का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण तो हो गया अधिक गैस बनना, दूसरा जो गैस बन रही है वो बाहर नहीं आ पा रही हो, और तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि अगर गैस बनेगी बाहर भी नहीं आ रही तो श्वसन तंत्र फेल होगा तो पशु की मृत्यु हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछे कि आफरा बीमारी में आप उपचार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करोगे, तो देखो सबसे पहले तो अपन देंगे एंटीजाइमोटिक्स, यानी जो गैस बन रही है उसको बनने मत दो। दूसरी बात कार्मिनेटिव, जो गैस बन चुकी है उसको बाहर निकाल लो। और तीसरा है विरेचक, यानी विरेचक उस दे देते पेट साफ हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो आपका आफरा बिल्कुल सही हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखना। आगे देखिए खुरपका मुंहपका रोग का कारण क्या है। तो खुरपका मुंहपका रोग एक विषाणु जनित बीमारी है जो विषाणु की 7 प्रजातियों से होता है, ए ओ सी सेट 1 सेट 2 सेट 3 एशिया पस्ट आदि के कारण यह रोग होता है। इस रोग में खुरो मुंह पे छाले हो जाते हैं, खुरो में छाले होने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है, और मुंह में छाले होने के कारण पशु लार गिराता है और खाना नहीं खा पाता है पूरी तरीके से। अगला सुडोरोमंती पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो सुडोरोमंती पशुओं में आमाशय का ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। सुडोरोमंती यानी वे पशु जो जुगाली करते हैं, आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं जैसे रुमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। ओमेजम भाग नहीं होता है, इसके उदाहरण में ऊंट और लांबा आ जाएगा, और ओमेजम भाग का वैसे पाचन क्षमता में कोई विशेष योगदान नहीं होता, लेकिन ओमेजम भाग जो रुमंती जो पशु होते हैं यानी गाय बेस भेड़ बकरी होते हैं उसमें जल अवशोषण का भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। अगला सर्वाधिक औसतन वसा किस पशु के दूध में होती है, तो सर्वाधिक औसतन वसा भेड़ के दूध में होती है, क्योंकि भेड़ के दूध में एवरेज वसा की बात करते हैं तो 7.90% होती है, जबकि भैंस के अंदर 7.39% ही होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ डेयरी केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी 12th क्लास के अंदर चलती है उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि 7.90% भेड़ में होता है, भैंस में 7.39% होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप आगे, उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होगी, तो उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली मुर्रा होगी, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान भी उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा है। हरियाणा में इसे काला सोना के नाम से जानते हैं, दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है, कुंडी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके दूध में 7% वसा होती है, भैंसों में सबसे गहरा काला रंग इसका होता है, जलेबी आकार का सींग होता है, भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होती है। इसके एक संकरण से जैसे मुर्रा का संकरण सूरती से कराए तो मेहसाणा नस्ल में भी इसका योगदान है, तो ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतया गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो देखो हाड़ौती के अंदर मालवी नस्ल मिलती है। मालवी यानी मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आपको ये तो पता होगा बेटा कि राजस्थान के में जो सीमावर्ती क्षेत्र है 5 राज्यों से लगती है, ऊपर से चलते अपन उत्तर से तो पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, नीचे गुजरात, और एक सीमावर्ती क्षेत्र जो पाकिस्तान से लगता है। तो अपन बात कर रहे हैं नीचे जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, तो इसमें बात करें हाड़ौती वाले इलाके की बात करें, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो कोटा, बारा, झालावाड़ के अंदर जो मुख्यतः जो नस्ल होती है वो मालवी नस्ल मिलती है। इस नस्ल को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसका पूरा रंग सफेद होता है तथा इसकी गर्दन जो होती है उसका रंग हल्का सा काला होता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो हंसा परीक्षण, देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता बाउडाइन टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, दूध में पानी की मिलावट का पता लैक्टोमीटर के द्वारा लगाया जाता है, दूध में वसा का पता ब्यूटायरोमीटर के द्वारा लगाया जाता है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाया जाता है हंसा परीक्षण के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाइनल कौन सा वाला, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप,
आंखें काजल डाली शर्मिली केले के पत्ते के समान, मुख्यतः किसकी नस्ल है? तो गिर की विशेषता है। गिर का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गुजरात है। आंखें काजल डाली हुई शर्मिली होती है, केले के पत्ते के समान कान होते हैं। इस नस्ल को अजमेरा और रिंडी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल भी गिर नस्ल का होता है। रामसर अजमेर के अंदर गिर का प्रजनन फार्म है। सींग इसके वृत्ताकार होते हैं, तो इस चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। गिर नस्ल इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान की वो भेड़ की नस्ल जो अच्छा दूध उत्पादन करती है, मैंने आपको बताया था इसका आंसर हो जाएगा सोनाड़ी, जो कि उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्र में यानी कि उदयपुर क्षेत्र में मिलती है। अगला, 0 से 4 सप्ताह को पालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो 0 से 4 सप्ताह के चूजों को पालने की क्रिया ब्रूडिंग कहलाती है। शियरिंग कहलाती है, यानी कि भेड़ों में ऊन कुतरने की जो क्रिया होती है वो शियरिंग कहलाती है। बात करें रियरिंग, तो रियरिंग का अर्थ होता है 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना। ब्रूडिंग में 0 से 4 सप्ताह था, रियरिंग में 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालना, लेकिन शेयरिंग का अर्थ था बेड में ऊन कुतरना। और बात करें लेयर की, तो वो मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, मुर्गी प्रथम बार 6 माह की उम्र में अंडा देती है। याद रखना, एक अंडे का उपजाऊ का लगभग 24 से 36 घंटे होता है, यानी एक अंडा देने में मुर्गी 24 से 36 घंटे का यानी 1 से 1.5 दिन का समय ले सकती है, लेकिन अंडे से चूजा बाहर आने में 21 दिन का समय लगता है। नॉर्मल अगर बात करते हैं तो भारतीय मुर्गियां प्रतिवर्ष 60 से 80 अंडा उत्पादन करती है, जबकि विदेशी मुर्गियों में बात करते हैं व्हाइट लेगोन जो इटली की रहने वाली है, मेडिटेरियन वर्ग की सबसे सर्वोत्तम नस्ल है, ये 1 वर्ष के अंदर 240 से 260 अंडे देने का काम करती है। तो याद रखना, इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा ए, ब्रूडिंग। लोला ब्रीड के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? तो लोला ब्रीड के नाम से साहीवाल को जाना जाता है, क्योंकि इसकी त्वचा अधिक चमकीली होती है, इसीलिए सॉफ्ट होती है, चमकीली होती है, इसलिए इसको लोला ब्रीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, कोपर के समान रंग भैंस की किस नस्ल का होता है? तो कोपर के समान रंग होता है बदावरी नस्ल का। रंगों से संबंधित अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर पूरा रंग सफेद और लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे आए तो राठी गाय होगी, पूरा रंग सफेद काले रंग के बड़े बड़े धब्बे आएंगे तो एचएफ गाय होगी, नॉर्मल गहरा काला रंग जेड ब्लैक आएगा तो मुर्रा भैंस होगी, तांबे के समान या कोपर का रंग आएगा तो वह बदावरी भैंस होगी, अगर पूरा रंग सफेद है तथा लाल और कथई रंग के धब्बे होंगे तो वह बारबरी बकरी होगी, अगर पूरा रंग सफेद कैसा भी हो लेकिन अगर उसके मुंह और तुतन पर सफेद सफेद रंग के धब्बे होंगे, बारीक 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 धब्बे होते हैं, तो वो नस्ल जो होती है वो जखराना होती है। ये सब रंगों से संबंधित कुछ नस्लें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी मैंने आपको माली वाला बताया, पूरा रंग सफेद था, गर्दन का हल्का सा काला रंग था, तो ये किसका? मालवी नस्ल का। तो इन नस्लों को रंगों से भी पहचाना जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बदावरी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है, NDRI। उसके बाद हरा चारा अगर लेग्यूमिनेसी परिवार का होगा तो उस समय पशु आहार में गणना क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि ऐसा होगा तो उस समय आप क्या करोगे, नॉर्मल यहाँ पे देख लो, हरा चारा और सूखा चारा, ऐसा तो अपन सामान्य कंडीशन में दे रहे, ऐसा अपन देंगे नहीं। तो आप देखो, ये वाली जो कंडीशन होगी ये भी राइट नहीं होगी, क्योंकि आप देखो हरा चारा ज्यादा नहीं दे सकते, आप सूखा चारा कम नहीं दे सकते, आप उन्हें हरा चारा कम दे सकते हो, सूखा चारा ज्यादा दे सकते हो, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसके अंदर करनाल हरियाणा बता दिया। अब करनाल हरियाणा की मैं एक दो चीजें और बता देता हूं आपको, कि अगर आपसे पूछे गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां है? करनाल हरियाणा में। NDRI कहां है? करनाल हरियाणा में, बताया मैंने आपको। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल हरियाणा में। तो ये 3-4 चीजें जो करनाल हरियाणा में, अगर हिसार हरियाणा में पूछ ले तो हिसार हरियाणा में केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी हिसार हरियाणा में, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला देखो बेटा, टोंड दूध में वसा व SNF की मात्रा कितनी होगी? टोंड दूध में वो वसा पूछ रहा है और SNF पूछ रहा है, तो याद रखो कि इसके अंदर होगा 3% तो वसा होगी टोंड में और 8.5% होगा SNF। लेकिन अगर ये डबल टोंड होता तो डबल टोंड में 1.5% वसा होती है और 9% SNF होता है, तो यानी कि उस वाली कंडीशन में अगर डबल टोंड होता तो ये राइट होता, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार से इसका उत्तर सी होगा। पाइका नामक रोग, अखाद्य पदार्थों को खाना, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, विटामिन की कमी और फास्फोरस की कमी, तो इसके अंदर 4 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फास्फोरस की कमी से पाइका रोग होता है। पाइका को एलोट्रिफेजिया असामान्य भूख,
क्या कहा जाता है, असामान्य भूख के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर देखो मान लो इस वाली कंडीशन के अलग अलग होते हैं, अगर वो गोबर खा रहा है तो कोप्रोफेजिया, खुद के बच्चे को खा रहा है इन्फेंट्रोफेजिया, तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्यतया अगर अखाद्य पदार्थ को खा रहा है वो, तो फास्फोरस की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है पाइका। साइलेज बनाने वाली फसलों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो साइलेज बनाने के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा का प्रयोग किया जाता है। मक्का का मुख्यतः किया जाता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत है। इन्हें दूधिया अवस्था में काट लिया जाता है, कब काट लिया जाता है, दूधिया अवस्था में। नमी की बात करें, साइलेज चारे को परिरक्षण करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। नमी की बात कर रहे थे अपन, तो नमी इसके अंदर 60-70% होती है, जबकि शुष्क पदार्थ इसके अंदर 30-40% होता है। तो ये चीज याद रखना है, साइलेज 3 माह में बनकर तैयार हो जाता है। साइलेज की परिभाषा अगर अपन बात करते तो फसल को दूधिया अवस्था पर काटकर एक गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि CO2 की उपस्थिति के अंदर। तो CO2 की जब उपस्थिति में रहता है तो ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक, कई प्रकार के जो अम्ल बनते हैं उन अम्ल, लैक्टिक अम्ल हो गया, इन अम्लों के कारण वो परिरक्षण रहती है। और जब जानवरों के आपके पास जब हरा चारा नहीं है तो उस साइलेज को आप गड्ढे में से 3 महीने के बाद निकाल लो और उसके बाद जानवरों को आप खिला सकते हो। 100 किलो शरीर भार पर 5 किलो साइलेज खिलाई जाती है, और एक परिपक्व जानवर को आप 15 से 20 किलो साइलेज खिलाओगे। लेकिन अगर आप जानवर को ज्यादा साइलेज खिलाओगे तो फिर एक रोग हो जाता है जिसका नाम है किटोसिस, क्योंकि किटोसिस का कारण है कि कार्बोहाइड्रेट्स के VFA यानी वोलेटाइल फैटी एसिड में गड़बड़ी होने के कारण जो रोग होता है उसको किटोसिस कहते हैं। इस रोग को एसिटोनीमिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर मूत्र के अंदर, पेशाब के अंदर और दूध के अंदर एसीटोन की खुशबू आने लग जाती है, तो ये भी कारण हो सकता है। इसलिए जानवरों को जो भी चारा खिलाया जाता है हमेशा गणना के आधार पर खिलाना चाहिए, और साइलेज में भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, टिम्पोनाइटिस, टिम्पेनी एक रोग है, मैंने आपको पहले बता दिया ये एक आहार जनित रोग है। अगला, दूध दोहने की दोषपूर्ण विधि कौन सी है, चुटकी विधि है, पूर्णस्थ दोन विधि है, मशीन विधि है, अंगूठा विधि है। तो दूध दोहने की जो हार्मफुल जो मेथड है दोषपूर्ण, वो अंगूठा है। अंगूठा विधि को इंग्लिश में नकलिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नकलिंग बोला जाता है। ये दोषपूर्ण इसलिए क्योंकि अंगूठा विधि से दूध निकालने पर थनों में गांठे पड़ जाती है तथा थनेला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कृमिनाशक दवा है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, ये एक विरेचक दवा है, अरंडी का तेल भी विरेचक दवा है, बोरिक एसिड भी जीवाणुरोधक दवा है, नीला तोता कृमिनाशक है। इसका प्रयोग, नीला तोता कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है बेटा इसको, अगर अपन बात करते हैं तो चारे की शुद्धता में इसका 2% काम में लिया जाता है। गांव की सफाई के अंदर नॉर्मल जो भी गांव हो, चाहे वो मुखे छाले वाला गांव हो या नॉर्मल जो गांव होता है, 1% इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि 1% नीला तोता का प्रयोग किया जाता है पेट के कीड़े मारने के लिए। 1% नीला तोता को 250 से 300 ml पानी में मिलाया जाता है और फिर गोलकर जानवर को 2 बार करके पिला दिया जाता है तो पेट के कीड़े सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक कृमिनाशक है, क्योंकि कृमिनाशक का अर्थ ही ये होता है कि वे औषधियां जो आंतरिक, जो पेट के कीड़े मारने का काम करती है, वो कृमिनाशक दवा होती है। अगला देखो, NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में। अगर आपसे पूछे NDRI की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। उसके बाद आप देखो कि भैंस को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर खिलाया जाता है, तो याद रखना, आप एक चीज याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न गलत नहीं होगा कभी भी, प्रश्न कैसे भी आ जाए आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। याद रखना, आपके पास 1 किलो दाना है, क्या है आपके पास, 1 किलो दाना है। तो अगर आपके पास पशु गाय है और एक भैंस है और एक आपके पास बकरी है, अगर गाय है तो गाय को 1 किलो दाना आप दोगे 3 लीटर पर, भैंस को आप दोगे 2.5 लीटर पर, और बकरी को आप, अगर बकरी 1 किलो दूध दे रही है तो आप उसको 300 ग्राम दाना, ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि बकरी 1 किलो दूध दे रही है तो कितना दाना दोगे, और लेकिन बकरी अगर 3 किलो दूध दे रही है तो आप उसको कितना दाना दोगे, 1 किलो दाना दोगे। ये मैं बता रहा हूं आपको 10 किलो तक, जब तक आपकी जो ये गाय है भैंस है 10 किलो तक दूध दे रही है तब तक की बात बता रहा हूं। लेकिन अगर गाय भैंस 10 किलो से ज्यादा दूध दे रही है तो फिर आप क्या करोगे, गाय को 1 किलो दाना दोगे आप 2.5 किलो पर, और भैंस को 1 किलो दाना दोगे आप कितने किलो पर, 2 किलो पर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि दूध उत्पादन बढ़ेगा तो
तो आपको दाना भी कम दूध पे ज्यादा देना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर, भैंस को एक किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर